बलीठा गांव में एक भंगार के गोडाउन में लगी आग। लापरवाह भंगारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। वापी के बलीठा, चरवाड़ा, चिरी, सलवाओ, चनोत और डुंगरा जैसे विस्तारों में बड़े पैमाने पर ऐसे भंगार के गोडाउन अवैध तरीके से चलते आ रहे हैं। ना उनके पास लाइसेंस है, ना ही उनके पास फायर सेफ्टी के साधन। इन गोडाउनों में काफी बार आग लग चुकी है, पर कार्रवाई के नाम पर ठेंगा। गांव के सरपंचों से लेकर अधिकारियों को अपनी जेब में लेकर घूमते इन भंगारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। और आज तो हद ही हो गई। बलीठा गांव में टोयोटा शोरूम के पीछे आए हुए भंगार के गोडाउन में अचानक से आग लग गई, जिसके कारण समग्र विस्तार में धुएं के गुब्बारे छा गए थे। आग को देखते अगल बगल के भंगारियों ने इकट्ठा होकर आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया था। आग को बुझाने हेतु इन भंगारियों ने फायर फाइटर की टीम को इसकी जानकारी नहीं दी थी। इतना ही नहीं, जहां पर यह आग लगी थी उसके बगल में जीबी का ट्रांसफॉर्मर और वायर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। फायर फाइटर की टीम को जानकारी देने के बदले भंगारी खुद पेड़ की डालियों को तोड़कर उसके पत्तों से आग को बुझाने में व्यर्थ प्रयास में जुटे रहे। आग का भीषण रूप धारण होते देख और धुएं के गुब्बारे उड़ते देख आसपास के भयभीत लोगों ने फायर की टीम को जानकारी देते ही फायर फाइटर स्थल पर पहुंचे और आग को बुझाया था। आपको बता दें कि वापी के बलीठा, चरवाड़ा, चिरी, सलवाओ, चनोत और डुंगरा जैसे विस्तारों में बड़े पैमाने में ऐसे भंगार के गोडाउन अवैध रूप से चलते आ रहे हैं। अगर आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहा तो भंगार के इन गोडाउनों में लगने वाली आग भविष्य में कोई बड़ी आपदा उत्पन्न कर सकती है।